सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, मैंने पिछले जितने भी वीडियो बताए उसमें मैंने आपको सेल्फ अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में बताया था, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिसमें आप प्रेडिक्ट करके काफ़ी अच्छा पेटीएम के चर्निंग करते हो। दोस्तों, आप जितना भी इसमें प्रेडिक्ट करते हो आपको कुछ सिंपल से क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। आप जितना भी प्रेडिक्ट करते हो आपकी, अगर आप विन करते हो आपकी जस्ट इसमें डबल अर्निंग हो जाती है। तो आपको कैसे आपको इस एप्लीकेशन में अर्निंग करना है कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, तो प्लीज़ आज के इस वीडियो को पूरा देखना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करके ऑल जरूर कर देना। और डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम की लिंक दी है, तो फ्रेंड टेलीग्राम को भी आप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर नए नए ऑफर की जो पोस्ट में डालते रहते हो, तो टेलीग्राम को आप जस्ट ज्वाइन कर लेना। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको जिस एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है 10 Shots। फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन में आपको कैसे अर्निंग करना है वो मैं बताऊंगा, लेकिन इस एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले एक बात बता देता हूं फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन का लिंक है जो ओनली प्ले स्टोर पर ही अवेलेबल है, तो एप्लीकेशन का लिंक आपको प्ले स्टोर पर ही मिलेगा। और आप इस एप्लीकेशन में जस्ट डबल अर्निंग कर सकते हो कुछ क्वेश्चन के आंसर देकर। और आप इस एप्लीकेशन में जितना भी अर्निंग करते हो आपको 200 रुपये होते ही आप अपने बैंक का वॉलेट में निकाल सकते हो। आपको इसका विड्रॉल सिर्फ बैंक में मिलेगा और आपको अपनी बैंक की डिटेल एक ही बार में सही सही फिल करनी है, अदरवाइज आपको जो पेमेंट नहीं मिलेगा। और इस एप्लीकेशन में आपको अर्निंग के लिए एलिजिबल होने के लिए कुछ सिंपल एलिजिबिलिटी के क्वेश्चन के टास्क देने पड़ते हैं, उसके आंसर देने पड़ते हैं, सिंपल से कॉमन क्वेश्चन के आंसर देने पड़ते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला, तो वीडियो को प्लीज़ बिना स्किप किए देखेगा। तो इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, सिंपल आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन करोगे इस टाइप का पेज आएगा, यहाँ पर आपको फ्रेंड साइन अप पर क्लिक कर देना है। साइन अप पर क्लिक करने के बाद आएगा इस टाइप का इंटरफेस, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको अपना नाम दे देना है, नाम देने के बाद अपना ईमेल आईडी दे देना है, सब कुछ आपको डिटेल सही भरना है। सही डिटेल देने के बाद यहाँ पर आपको 4 से 8 कैरेक्टर का एक पासवर्ड देना है। इसके बाद रेफरल कोड आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे दिया है। सिंपल यहाँ पर सारी डिटेल अच्छे से फिल सही सही फिल करके आपको टिक पर क्लिक करके साइन अप पर क्लिक कर देना। आप इस एप्लीकेशन में एंटर हो जाओगे और आपको आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा, तो जो भी ओटीपी आएगा यहां पर आपको सिंपली टाइप करके सबमिट पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद फ्रेंड्स आपके वॉलेट में जो 50 डॉट्स क्रेडिट हो जाएंगे, तो आपके जितना भी इसमें अर्निंग होता है डॉट्स में शो होता है, तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं। जितने भी आपका डॉट्स होता है आपको सारे रुपीस में ही यहाँ पर शो होते हैं, तो यानी कि 50 डॉट्स यानी कि आपको 50 रुपये साइन अप बोनस मिल जाएगा। तो सिंपल आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप फुली इसमें रजिस्टर हो जाओगे। तो अब आपको करना क्या है, आपको आपने जिस मोबाइल नंबर और पासवर्ड से इसमें रजिस्टर किया था आपको यहाँ पर दोनों डिटेल आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड सही सही दे के आपको सिंपल साइन इन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप साइन इन पर क्लिक करोगे आप इस एप्लीकेशन में फ्रेंड, जैसे ही आप इसमें सही सही डिटेल सारी डिटेल देते हो आप इस एप्लीकेशन में सक्सेसफुली एंटर हो जाते हो। तो आपको फ्रेंड्स अब सिंपली इसमें अर्निंग कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे 50 डॉट्स यानी कि 50 रुपीस मेरे वॉलेट में ऐड हुए। तो यहाँ पर मुझे इसमें विनिंग में क्रेडिट करने के लिए क्या करना होगा, सिंपल यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट के बटन पर टैप करना होगा। टैप करने के बाद यहाँ पर मेरे सामने कुछ एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, तो सिंपल यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद हमें यहाँ पर ओके शो होगा, तो ओके पर मैं जैसे टैप कर देता हूँ थोड़ा सा लोडिंग लेता है। थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद जैसे मैं यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करूँगा यहाँ पर मुझे स्टार्ट पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे जो है सिंपल 5 क्वेश्चन आएंगे एलिजिबिलिटी के, तो सिंपल कॉमन से क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा जा रहा है विच टीम हैज नेवर वन ICC 50 वर्ल्ड कप, तो यहाँ पर मैं आप ध्यान से इसको आंसर दे सकते हो पढ़ के। तो यहाँ पर मैं इसमें वेस्ट इंडीज आंसर दे देता हूँ। मैं जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ मेरे सामने जो वो वाला जो पिछला क्वेश्चन का आंसर है वो सबमिट हो चुका है। मेरे सामने नया एक क्वेश्चन आ चुका है कि विच टीम हैज़ मैक्सिमम IPL टीम विंस, तो यहाँ पर मैं मुंबई इंडियंस पर क्लिक कर देता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। इसी टाइप से आपको जो कॉमन से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है व्हेन डिड सचिन तेंदुलकर प्ले हिज लास्ट ODI, तो यहाँ पर आपको लास्ट ODI सचिन तेंदुलकर ने कब प्ले किया था, तो यहाँ पर मैं 2014 कर देता हूँ। यहाँ पर मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है हु इज़ नो एज माही एस इंडियन क्रिकेट टीम, तो यहाँ पर इसका आंसर है धोनी, तो मैं आंसर पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देता हूँ। पांचवा और लास्ट क्वेश्चन आता है हु हैज़ मैन ऑफ द मैच इन 2019 ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी इसमें मैन ऑफ द मैच रहा है, जैसे कि मैं इसमें बेन स्टॉक्स करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जो इस सारे एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास कर लिया। यहाँ पर जैसे ही मैं अनलॉक पर क्लिक करता हूँ, अनलॉक पर क्लिक करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो मेरा रूम अनलॉक हो चुका है और मैं अब जो है अर्निंग के लिए इसमें एलिजिबल हो चुका हूँ। तो मुझे फ्रेंड्स सिंपल अर्निंग कैसे करना है यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं जैसे ही एक्सेप्ट पर टैप करता हूँ, एक्सेप्ट टैप पर टैप करने के बाद फ्रेंड्स अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे प्रेडिक्ट करके अर्निंग करना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे मैच लिस्ट दिख जाते हैं, यहाँ पर आप क्रिकेट में प्रेडिक्शन करके अर्निंग कर सकते हो, सॉकर में, हॉकी में, और बहुत सारे आपको गेम मिल जाते हैं। जो भी आपको गेम मिलते हैं उसमें आप प्रेडिक्ट करके अर्निंग कर सकते हो। एक गेम यहाँ सबसे पहले फ्रेंड्स आपको बता दूँ, यहाँ पर क्रिकेट अधिकतर जो लोग जो उनको क्रिकेट का ही नॉलेज होता है, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा क्रिकेट पर ही प्रेडिक्शन करके अर्निंग करें। तो कैसे अर्निंग करना है यहाँ पर फ्रेंड्स,
किसी भी आपको मैच पर टैप कर देना, जैसे मैंने इस मैच पर टैप करता हूँ। तो दोस्तों आपको इसमें आंसर कैसे देने होते हैं मैं बता देता हूँ। जो भी मैच होता है, मैच में आपको कुछ प्रेडिक्शन के आंसर देने होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने जो भी आपको मैच पर आंसर देना है, आपको टोटल इस मैच से रिलेटेड 10 क्वेश्चन के आंसर देना होता है। तो आप 10 में से किसी भी 5 क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो, जैसे कि आपको 50 रुपये का जो साइन अप बोनस मिलेगा पर क्वेश्चन का, आपको जो है 10 रुपये इसमें चार्ज देना होता है पर प्रेडिक्शन का। और जब भी आप विन करते हो, आपका आंसर सही हो जाता है, तो आपको जस्ट डबल अर्निंग हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी स्कोर फर्स्ट 3 ओवर इन रॉक इनिंग, तो फर्स्ट 3 ओवर में फ्रेंड्स यहाँ पर इनके कितना रन होगा, तो यहाँ पर हमें प्रेडिक्शन करना है। जैसे मैं यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन बी ऑप्शन को सिलेक्ट कर ले, तो यहाँ पर मुझे 10 डॉट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन के आंसर पर 10 डॉट को जो प्रेडिक्ट कर देता हूँ, सबमिट पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद मैं सेकेंड क्वेश्चन के आंसर पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर लिखा है कि व्हाट विल बी नंबर ऑफ 4 स्कोर इन फर्स्ट से 6 ड्यूरिंग रॉक्स इनिंग। यहाँ पर हम किसी भी आपको ध्यान से जो क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन के बाद आंसर को सबमिट कर देना। जैसे कि हम 5 पर क्लिक कर देते, तो 5 पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्लस के आइकॉन पर क्लिक करके मैं इस आंसर पर भी 10 डॉट्स जो सबमिट कर देता हूँ। उसके बाद आप किसी भी क्वेश्चन जो आपको ईजी लगता है 10 क्वेश्चन में से, उस पर मैं आपको वीडियो को इस पॉज करके मैं सारे क्वेश्चन के आंसर देकर मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चन के आंसर पर 10 रुपीज़ सबमिट कर दी। यहाँ पर मैं 7 नंबर के क्वेश्चन पर मैं यहाँ पर प्लस के आइकॉन पर क्लिक करके 10 डॉट्स को जो सबमिट कर देता, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने मुझे जो 50 डॉट्स साइन अप बोनस मिला था, वो सारा 50 डॉट्स जो है मैंने फास्ट फॉर इन 5 क्वेश्चन में मैंने 10 डॉट्स लगा दिया। तो मेरा टोटल जो इस 5 क्वेश्चन पर 10 डॉट यानी कि 50 डॉट मैंने प्रेडिक्ट कर दिया। अब मैं अगर विन करता तो मुझे जस्ट इसका डबल अर्निंग हो जाएगा, यानी कि 100 रुपीज़। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जितने भी आपने क्वेश्चन के आंसर दिए, इसे देखने के लिए रिव्यू पर क्लिक कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रहे यहाँ पर सेव जरूर कर देना। यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ और मेरी जितनी भी डिटेल यहाँ पर सबमिट हो जाती है। तो फ्रेंड जब भी ये मैच एंड होगा और मेरे जितने क्वेश्चन के आंसर इसमें सक्सेस हो गए, उस हिसाब से जो है मुझे जस्ट इसमें डबल अर्निंग हो जाएगा और जितना भी अर्निंग होगा मुझे मेरे वॉलेट में ऐड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको इस एप्लीकेशन में रेफर अमाउंट भी मिलता है, तो आप जितना भी इसमें रेफर करते हो अपने फ्रेंड के साथ, आपको जितने भी कॉइन मिलेंगे, डॉट्स मिलेंगे, उससे आप अपने वॉलेट में विन कर सकते हो। आपको आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रेडिक्ट कर सकते हो, आपको जितना भी आप प्रेडिक्ट करते हो इसमें डबल अर्निंग होता है। फ्रेंड्स आपको एक बात बता दो, आप जितना भी अर्निंग करते हो अपने बैंक में भी निकाल सकते हो, इसमें रिचार्ज भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको रिचार्ज का सेक्शन मिल जाता है, आपसे आप अपनी प्रोफाइल में जाकर डिटेल फिल कर देना, और जितना भी आप बैंक में अर्निंग करते हो इसमें बैंक में ही ले सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर आपको रिडीम पर क्लिक करना है। रिडीम पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको अपनी बैंक का डिटेल, सारी डिटेल सही सही भरना, अपने पेटीएम पेमेंट बैंक में भी इसका पेमेंट ले सकते हो। तो फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का लिंक आपको ओनली ऑन प्ले स्टोर पर ही मिलेगा। आपको कुछ एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करना है, तो फ्रेंड्स आप कुछ कॉमन से क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। इसमें आपको मिनिमम 200 रुपये होती है, आप इसमें विड्रॉल ले सकते हो। फ्रेंड्स आपको इसमें ध्यान रहे, जितनी भी आप बैंक डिटेल डालोगे रजिस्ट्रेशन में, आप जो डिटेल डालते हो आपको सारी सही भरना है। तो फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन, इसमें आप अपने प्रेडिक्शन के हिसाब से, जिस टाइप से आपने ड्रीम 11 खेला होगा उससे काफ़ी बढ़िया अर्निंग दे रहा है एप्लीकेशन। तो आप इस एप्लीकेशन को जरूर ट्राई करना फ्रेंड, जिससे आप अपने प्रेडिक्ट का यूज़ करके काफ़ी अच्छा पेटीएम के अर्निंग कर सकते हो। तो इस टाइप के सेल्फ अर्निंग लेने के लिए, प्रेडिक्शन अर्निंग ऐप लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट अर्निंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।